अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ITI अपडेट्स बाय प्रवीण में। तो आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ दोस्तों, उन बच्चों के लिए है जिन्होंने ITI पास कर रखी है और उनके लिए अप्रेंटिस के लिए आवेदन निकले हैं, वो भी महावितरण महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कोऑपरेटिव जो लिमिटेड कंपनी है उसके अंदर ITI पास के लिए आवेदन मांगे गए हैं। तो इसकी जो शॉर्ट नोटिफिकेशन है वो मैं आपको दिखा देता हूँ और ऑफिशियल भी दिखा दूँगा, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, इसकी जो शॉर्ट नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको मैं वो दिखा देता हूँ, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो यह है दोस्तों इसकी शॉर्ट नोटिफिकेशन जो कि आप देख सकते हो, महावितरण अप्रेंटिस भर्ती 2020 के लिए है। अप्लाई जो है वो ऑफलाइन होंगे, अप्रेंटिस वैकेंसी 2020 की है। तो सबसे पहले इसकी बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन नेम आप देख सकते हो महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन को लिमिटेड के द्वारा जारी किया गया है। और नेम ऑफ पोस्ट देखी जाए अप्रेंटिस के लिए तो लाइनमैन के लिए 22 पोस्ट है और इलेक्ट्रिशियन के लिए 23 पोस्ट है और कोपा के लिए 3 पोस्ट हैं। टोटल वैकेंसी देखी जाए तो 48 पदों पर है और ऑफलाइन जो है इसका आवेदन होगा। गवर्नमेंट जॉब है महाराष्ट्र, इसकी आपकी जो लोकेशन रहेगी। क्वालिफिकेशन का जिक्र करें तो ITI वायरमैन के साथ होनी चाहिए, ITI इलेक्ट्रिशियन और ITI कोपा यानी कि कंप्यूटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। एज लिमिट की बात करें 18 से 24 साल वाले अप्लाई कर सकते हैं और एज की छूट देखी जाए तो SC ST के लिए 5 साल की, OBC के लिए 3 साल की छूट है। सैलरी अभी तक इसकी कोई नोटिफिकेशन नहीं आई है। सिलेक्शन मोड आपका मेरिट के आधार पे होगा। जनरल OBC और ओपन कैंडिडेट्स जो हैं उनके लिए आवेदन फ़ीस कुछ भी नहीं है और SC ST के लिए भी कोई आवेदन फ़ीस नहीं है। आपके लिए फ्री आवेदन होगा ये, तो आप इसे अप्लाई करें। और स्टार्टिंग डेट जो है वो 18 जनवरी से शुरू हो चुके हैं और लास्ट डेट इसकी 10 फरवरी 2020 है। तो चलिए दोस्तों इसकी मैं, और जो आपको पोस्ट एड्रेस जो है जब आप अप्लाई करेंगे तो ये देख सकते हो महाराष्ट्र स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड महाडिकॉम, ये जो नंदुरबार है वहाँ पे आपको ये डालना होगा, जो एड्रेस दिया गया ऑफलाइन होगा ये। तो चलिए इसकी मैं दिखा देता हूँ आपकी जो नोटिफिकेशन आई है वो। तो ये देखिए दोस्तों, इसका दिया गया है अप्रेंटिस उम्मीदवार भर्ती। तो सबसे पहले ये महाराष्ट्री जो लैंग्वेज है उसके अंदर लिखा गया है, तो आपको दिक्कत होगी तो इसलिए मैंने आपको शॉर्ट नोटिफिकेशन दिखा दी। तो ये देख सकते हो आप जो BTR ये जो दिया गया है 22 पद जो हैं इलेक्ट्रिशियन के, 23 पद कोपा के लिए और 3 पद प्रोग्राम असिस्टेंट, ये जो बताया गया है उसके लिए बताया गया है। और जो आपके पास ITI वायरमैन और ITI इलेक्ट्रिशियन ITI कोपा से हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये थी इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो उम्मीद है मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी। तो ऐसी ही जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए आप अपने यूट्यूब चैनल ITI अपडेट्स बाय प्रवीण को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना ताकि हर नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलती रहे। और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।